14वीं शताब्दी में फिरोज तुगलक के स्थापित शहर जौनपुर का इतिहास कला और संस्कृति से भरा है। 1952 के बाद के कुछ चुनावों को छोड़ दें तो यहाँ किसी भी प्रत्याशी ने लगातार दूसरी बार चुनाव नहीं जीता। 5 विधानसभा वाली इस लोकसभा सीट में बीजेपी के कृष्ण प्रताप सिंह ने बीएसपी प्रत्याशी सुभाष पांडे को हराकर जीत हासिल की। कृष्ण प्रताप सिंह 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर सांसद चुने गए। केपी सिंह का जन्म फरवरी 1977 में जौनपुर में हुआ। केपी सिंह ने पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। केपी सिंह पीएचडी कर चुके हैं। केपी सिंह किसानों के बीच रहने वाले समाज सेवी भी हैं। केपी सिंह केमिकल और फर्टिलाइजर की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य हैं, साथ ही कई अन्य मंत्रालय समिति के भी सदस्य हैं। ये है यूपी के जौनपुर से बीजेपी सांसद केपी सिंह। केपी सिंह प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश के बाद लोगों से कैशलेस स्कीम और नोटबंदी के फायदे गिनाने निकले। आने वाले भविष्य में सब खत्म। चार राज्यों में मिलियन पैसा आ गया ज्यादा तो ज्यादा खत्म मिलने लगेगा तो आदमी फिर जनता साथ दे रही है ऐसा नहीं। जनता सब खुश है, केवल दुखी वही है जिनके पास ताला था। 80% है, कहीं 85% है, कहीं 72% मोबाइल के थ्रू या किसी अन्य माध्यम। नेताजी अपनी पाठशाला में नोटबंदी को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। पक्ष रख रहे हैं, जनता को उसका पक्ष सुन रहे हैं। जो भी उनको दिक्कतें उनको समझ में आ रही हैं उनको हम समझा के उनको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको समझ में आए कि हम कुछ दिन तकलीफ, सारी जनता भी साथ है कि सब प्रधानमंत्री के साथ हैं, सब प्रधानमंत्री के निर्णय की सब सारी जनता सराहना कर रही है। गांव-गांव हम लोग प्रचार कर ही रहे हैं, जनता हमारी सब जान रही है। जनता एकदम जान रही है कि मोदी जी के निर्णय के साथ खड़ी है। हम लोगों को बहुत बताने समझाने की जरूरत नहीं, जनता सब समझदार हो गई है। राहुल और सपा और बसपा के बहकावे में नहीं आने वाली, ये केवल उकसा रहे हैं जनता इस निर्णय के खिलाफ आ जाए, लेकिन जितना वो बोल रहे हैं जनता उतना सब मोदी जी के साथ खड़ी। तयशुदा कार्यक्रम के तहत सांसद महोदय ने बदलापुर विधानसभा के सिगरामऊ, मलहनी विधानसभा के कद्दूपुर, गोधन और माधवपट्टी गांव में लोगों को नोटबंदी और कैशलेस स्कीम के फायदे गिनाए। वक्त दोपहर करीब 12 बजे का है। नेताजी की चौपाल में बड़ी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थकों का हुजूम था। चौपाल में बैठे हर शख्स ने सांसद के सुर में सुर मिलाया। यहाँ ज्यादातर लोग नोटबंदी और कैशलेस स्कीम के समर्थन में खड़े दिखे। पता नहीं, ऐसा शायद इसलिए भी था क्योंकि सांसद जी सामने थे। अब सांसद के सामने बुरा भला कौन कहे। हाँ, सांसद जी बराबर आ रहे हैं, लोगों से, इनका कार्यालय है, जिसको कोई परेशानी है वहाँ लोग जाते हैं, वहाँ अपना अपना करते हैं, जो समस्या होता है निराकरण करते हैं। इतिहास में यह पहली बार इतना क्रांतिकारी कदम किसी प्रधानमंत्री ने उठाया है। नेहरू जी से लेकर के मोदी जी तक अगर आप देख लें तो निश्चित रूप से आपको आभास होगा कि इतना क्रांतिकारी कदम उठाने की हिम्मत किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। और वास्तव में इससे कई सारी समस्याएं इस राष्ट्र की सुलझेंगी। अब हम लोग मोबाइल तो बाद में आया है ना, हम लोग मोबाइल चलाने लगे ना, तो कैशलेस को सीखने में कई दिन लगेगा, तो बहुत छोटी चीज है ना। अरे बहुत होगा, एक दिन, दो दिन, तीन दिन दिक्कत होगी, उसके बाद चलाने लगेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कैशलेस को, इसको लोग पॉलिटिकल लोग हवा बना रहे हैं, करे जनता नहीं कर पाएगी, क्या किया जा रहा है, इसमें कुछ नहीं। आज तो देखते हैं रिक्शा चलाने वाले के भी पॉकेट में मोबाइल रहता है, हमारे यहाँ बर्तन मांजने आती है उसको, वो भी मोबाइल लेके आती है। तो कैसे आप सोचते हैं कि कैशलेस के लिए उसको नहीं ऑपरेट कर पाए। बीजेपी सांसद केपी सिंह के संसदीय क्षेत्र जौनपुर की एक और कड़वी हकीकत है, शायद जिससे नेताजी वाकिफ नहीं। इलाके में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने आज तक अपने सांसद का चेहरा तक नहीं देखा। ऐसे में लोगों को कैशलेस स्कीम और नोटबंदी के फायदे आखिर कौन समझाएगा, कब समझाएगा, ये बड़ा सवाल है। इसी सवाल का जवाब जनता जानना चाहती है। जिस दिन से नोटबंदी का इन्होंने ऐलान किया है कि टेंडर रिफ्यूज हो गया, तो
चक्कर यह कि तब से आज तक किसी भी तरह का कोई भी व्यापार और भी काम सब ठप पड़े हैं। लोग पैसे नहीं हाथ में है, काम कहाँ से करेंगे। किसी को अब इस पर विश्वास नहीं है कि ये कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, पैसे का क्या, व्यापार का क्या, लेन देन कैसे किया जाए। तमाम समस्याएं हैं, समस्याएं अनगिनत हैं, इसको कोई गिना ही नहीं सकता। इसलिए कि घर से निकलने के साथ ही समस्या शुरू हो जाती है और घर लौटने तक। अपने यहाँ के सांसद जी का तो हमारा ज़्यादा ख्याल है कि उनको ज़्यादा तो लोग पहचानते ही नहीं, और आने जाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। दिक्कत हो रही है बुआई के लिए, पानी के लिए, दवा के लिए, यार जानवर के लिए, ये सब भाई अथुआ हो रहा। परेशानी इतनी सी नहीं है, जौनपुर में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जिनके लिए टेक्नोलॉजी काला अक्षर भैंस बराबर की तरह है। ऐसे में जो लोग टेक्नोलॉजी की ABC तक नहीं जानते उनके लिए परेशान होना लाजमी भी है। दूसरा, सांसद जी का सीमित इलाकों तक ही जाना ऐसे परेशान लोगों को और अखर रहा है। इसका कोई मतलब ही नहीं है कैशलेस व्यवस्था का। इसमें जो है गांव के किसान को अभी 10 किलो यूरिया लेने जाना है तो ATM और PTM नहीं दिखाएगा, वो कैशलेस, उसको पैसा चाहिए, कैश में चाहिए। 100 रुपये का खाद है तो उसको 100 रुपये चाहिए, दुकानदार को देगा तो खाद पाएगा, नहीं तो उसको नहीं मिलेगा। ये सबको सारी लोगों को जानकारी नहीं, हाईटेक CTO में जानकारी इसकी है। ATM PTM की माल में कोई जाएगा तो उसको ATM PTM जरूरत पड़ेगी, और हमारे गांव के गरीब किसान को ATM PTM कोई आवश्यकता नहीं, न जानता है उसके विषय। दिक्कत तो बहुत है, अरे भाई जहाँ काम चलना चाहिए 1000 रुपये तो 500 मिल रहा है तो कैसे काम चलेगा है। सबसे व्यवस्था कैसी रहेगी कैशलेस व्यवस्था में 50% को जानकारी नहीं है कि कैसे क्या किया जाएगा, तो उसके लिए जब कोई बतावे तब तो उसके बारे में कुछ आदमी समझे, और जब उसकी जानकारी ये नहीं है तो क्या आदमी बताएगा, क्या करेगा। सांसद KP सिंह दावा कर रहे हैं कि वो अपने संसदीय क्षेत्र में हर आम और खास से मिल रहे हैं, लेकिन हकीकत की जमीन पर नोटबंदी से परेशान लोगों की लंबी कतारें हैं, कई दर्द भरे किस्से। इनसे मिली, ये सांसद साहब के इलाके के एक बड़े किसान हैं, नाम है गौरीशंकर। गौरीशंकर का घर खेती बाड़ी से ही चलता है, लेकिन नोटबंदी ने इनके नाकों चने चबा दिए। पुरानी पीढ़ी के ये उम्रदराज चाचा नई टेक्नोलॉजी नहीं जानते, जानते हैं तो बस इतना कि नोटबंदी के बाद ये न तो बीज खरीद पा रहे हैं, ना ही खेतों में खड़ी फसल के लिए खाद खरीद कर घर ला पा रहे हैं। कैशलेस हम कैसे सही मानते हैं, कैशलेस से हमको बीज कहाँ से मिलेगा, कैशलेस कहाँ दे रहे हैं, खाद हमको कहाँ से कैशलेस मिलेगी। हम कहीं चाय पी रहे हैं तो बता कैशलेस करते हैं तो सर्वर डाउन है, जब सर्वर डाउन है तो हम चाय के इंतजार करें, सर्वर के इंतजार करें तो कहाँ से पाएंगे, कैसे कैशलेस हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है। ये जो सांसद जो गाँव के लोग बताए हैं कि सांसद गाँव के गाँव में जाएं और लोगों की व्यवस्था के बारे में पूछें, जाने। नोटबंदी के कारण सांसद कभी भी गांव में नहीं गए हैं, आज तक इलेक्शन था, इलेक्शन पीरियड में भी हमारे गांव नहीं गए। सांसद KP सिंह की नजर में इनका इलाका उनके तूफानी दौरों से कैशलेस स्कीम और नोटबंदी के फायदों को अच्छे से जान और समझ रहा है, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि सांसद साहब अपने तयशुदा शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं, लिहाजा जिन्हें सांसद की पाठशाला में नोटबंदी पर ज्ञान मिल रहा है वो नसीब वाले हैं। बाकी गौरी शंकर और इन लोगों जैसे कई हैं जिन्हें कैशलेस का तक नहीं पता, पता सिर्फ नोटबंदी से हो रही परेशानी का ही है। अजीत सिंह, इंडिया 24/7, जौनपुर।